हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल दे कुक एफएफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ दे कुक फन फिक्शन माफिया बॉयफ्रेंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जॉन कुक बहुत देर तक त्यांग की होठों पे किस करने के बाद वो त्यांग की गले पे किस करते हैं और उसकी शर्ट की बटन को अनबटन करना शुरू करते हैं। उसके बाद जॉन कुक त्यांग की बॉडी से शर्ट को खोल देते हैं और त्यांग की बॉडी को अपने हाथों से बहुत ही हॉट तरीके से टच कर रहा था। उसकी चेस्ट पे अपने हाथ से पिंच करते हुए बोलते हैं, त्यांग तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। त्यांग कुछ नहीं बोलते हैं। जॉनकुक बोलते हैं, क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो क्या। ती बेबी, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ लेकिन फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं कर रहे हो, तुम मुझे प्यार क्यों नहीं कर सकते हो। मैं माफिया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास दिल नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तुम भी मुझे प्यार कर सकते हो, मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। और देखो मॉम को भी तुम पसंद आ गए हो, मॉम तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं। और तुम्हें नहीं लगता है कि हम दोनों को जल्दी से शादी कर लेना चाहिए। त्यांग जॉनकुक को बोलते हैं, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम अपने मॉम के बारे में सोच रहे हो कि वो मुझे पसंद किया है, तो मेरे मॉम का क्या। हाँ मेरे मॉम भी तो मेरे लिए एक लड़के को पसंद किया है, तो मुझे उससे ही शादी करना चाहिए। क्यों जॉनकुक, तुम अगर अपनी मॉम की बात करते हो तो मुझे भी तो अपनी मॉम के बारे में सोचना होगा, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे रोक कर रखे हो, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ मिलने नहीं दे रहे हो। जॉनकुक बोलते हैं, तुम जाकर मिलो, तुमसे मना नहीं कर रहा हो, लेकिन तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगे और ये कोई झूठा नाटक नहीं करने वाले हो तुम। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम प्रॉमिस करो कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। तो त्यांग बोलते हैं, नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ फिलहाल के लिए, तुम मुझे ये क्वेश्चन दोबारा से मत करना, क्योंकि तुमने जो किया है वो कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं करते हैं। तुम माफिया हो और एक माफिया से भला कौन प्यार करना चाहेगा। जॉनकुक बोलते हैं, मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो तुमसे मतलब है, तुम जो बोलोगे वो ही होगा। त्यांग प्लीज़ तुम मना मत करना, देखो ओएन भी जेहोप के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो तुम मुझे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। जॉनकुक की बात सुनकर त्यांग मुस्कुरा के बोलते हैं, प्यार, क्या प्यार ऐसा होते हैं, तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जिस प्यार से एक इंसान अपनी फ्रीडम खो देते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ भी मिल नहीं सकते हैं, ऐसे प्यार को देकर मैं क्या करूँगा जॉनकुक। जॉनकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम्हें अपनी मम्मी पापा से मिलना है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें उन लोगों से मिलवा दूँगा, लेकिन तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ मेरे हो और किसी का नहीं। त्यांग बोलते हैं, मैं सिर्फ तुम्हारा, मैं बिल्कुल तुम्हारा नहीं हूँ, क्योंकि तुमने वो हक खो दिया है, तुमने मुझसे झूठ कहा है, तुमने कहा था तुम मेरे लिए अच्छे हो जाओगे और ये सब कुछ छोड़ दोगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम सिर्फ अच्छा बनने के नाटक कर रहे थे मेरे सामने और कुछ नहीं। और मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए, मुझे लाइफ में कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे प्यार करने के साथ साथ मेरे पेरेंट्स को भी प्यार करेगा और उनको रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करते हो, तुम सिर्फ अपने मतलब से काम रखते हो, तुम्हें सिर्फ मेरी इस बॉडी के साथ इंटीमेट होना है और कुछ नहीं, क्योंकि मैं हैंडसम हूँ है ना, अगर मैं दिखने में अच्छा नहीं होता क्या तुम मेरे साथ ये सब कुछ करते, मुझसे शादी करने के लिए बोलते, नहीं ना, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो जॉनकुक, तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो। जॉनकुक त्यांग को बहुत ही टाइटली पकड़ के बोलते हैं, त्यांग तुमने क्या कहा, सिर्फ तुम हैंडसम हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं ऐसे इंसान के साथ इंटीमेट होने के बारे में क्यों सोचूंगा और प्यार क्यों करूँगा जिसे मैं पसंद ही नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, तो मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन किसी ऐसे इंसान के साथ मैं इंटीमेट कैसे हो सकता हूँ जिसको मैं पसंद ही नहीं करता हूँ, और जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ उसको प्यार कैसे हो सकता है मुझे, बिल्कुल नहीं,
मुझे सिर्फ तुमसे प्यार हुआ है त्यांग, वो क्यों मुझे पता नहीं। तुम दिखने में अच्छे हो इसलिए या फिर कुछ और, आई डोंट केयर। मुझे तुम चाहिए और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि प्यार क्या होते हैं। मैंने हमेशा अपने काम पर फोकस किया है, प्यार में कभी फोकस किया ही नहीं। तो ध्यान मुस्करा के बोलते हैं, तुम जो करते हो उसको काम बोलते हो और तुमने उस पर फोकस किया है। हाँ, वो तो पता चल ही गया है हम लोगों को, लेकिन तुम जो करते हो इससे क्या तुम्हें खुशी मिलती है? लोगों की बरदुआ मिलते हैं तुम्हें, फिर भी तुम्हें अच्छा लगता है ये सब कुछ करते हुए? मुझे ऐसे पार्टनर नहीं चाहिए जिनको लोग गालियाँ देते हैं और बददुआ देते हैं, मरने की दुआ करते हैं। मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है। मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं जिससे प्यार करूँगा, जिसके साथ शादी करूँगा, उसको सब लोग बहुत ही अच्छा बोले, उसको रिस्पेक्ट करे, उसके लिए प्रे करे, ना कि बददुआ दे। तुमने जो किया है वो अच्छा काम नहीं है। तुमने इयोनो को पकड़ के रखा है, क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ उस दिन बात कर रहा था। मुझे तो पता ही नहीं था मेरी शादी उसके साथ तय हो गए है। शायद उसको भी पता नहीं होगा कि मैं ही वो लड़का हूँ। जोंगकुक बोलते हैं, लायर, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें भी पता है और उस लड़के को भी पता है कि आखिर में तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी तुम दोनों नाटक कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? हाँ, मेरे साथ ये सब कुछ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने जो सोचा है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या तुम उस लड़के के साथ शादी करना चाहते हो? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं अभी देखता हूँ तुम कैसे उस लड़के के साथ शादी कर सकते हो। त्यांग बोलते हैं, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन मुझे घर जाना है क्योंकि मेरे मॉम की हालत ख़राब हो गए है तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती लेकर आए हो और मेरे मॉम मुझसे अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पाया और मैं उनको वहीं पे छोड़ के चलाया क्योंकि तुमने कहा था अगर मैं लेट हो जाऊँगा तो तुम अंदर आ जाओगे और तुम जब अंदर आ जाते तो मॉम और डैड को पता चल जाता कि तुमने मुझे अपने साथ बंदी बनाकर रखा था। उन लोगों को अच्छा थोड़ी लगता। तुम्हारे भी तो पेरेंट्स हैं, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जोंगकुक त्यांग को बोलते हैं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्या तुम देखना चाहते हो? त्यांग कुछ नहीं बोलते हैं। तो फिर जोंगकुक त्यांग की फेस से किस करना शुरू करते हैं और वो किस करते करते बहुत ही नीचे चले आते हैं। त्यांग अब बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन जोंगकुक ये सब कुछ नोटिस नहीं करते हैं और त्यांग के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद त्यांग और जोंगकुक बेड पर थोड़ी देर ऐसे ही सोए रहते हैं। कुछ देर बाद जोंगकुक त्यांग को गोद में उठा लेते हैं और उसको वॉशरूम लेकर जाते हैं। दोनों ही क्लीन हो जाने के बाद दोनों तैयार हो जाते हैं। जोंगकुक और त्यांग बहुत ही हैंडसम लग रहा था। जोंगकुक त्यांग को बोलते हैं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ। त्यांग बोलते हैं, मुझे कहीं पर नहीं जाना है। जोंगकुक बोलते हैं, तुम चलो तो सही, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं अब से तुम्हें बिल्कुल भी अपसेट नहीं करूँगा, तुम जैसा चाहते हो वैसे ही होगा। त्यांग जोंगकुक को बोलते हैं, अब तुम मेरे लिए क्या करने वाले हो? तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम जो करने वाले हो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, मैं तुम्हें पहले ही बोल देता हूँ। लेकिन जोंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम मेरे साथ चलकर तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर जोंगकुक त्यांग को ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर लेकर आते हैं। त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था कि जोंगकुक उसको कहाँ लेकर जाने वाले हैं। त्यांग नोटिस करते हैं जोंगकुक त्यांग को उसके घर लेकर आए हैं। त्यांग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्या मैं अपने घर वापस आ गया हूँ? जोंगकुक, क्या तुम मुझे यहाँ पे छोड़कर जाने वाले हो? जोंगकुक बोलते हैं, हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ने के लिए आया हूँ और तुम जाकर अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हो, उन लोगों से मिल सकते हो। तो फिर जोंगकुक की बात सुनकर त्यांग को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे हमेशा के लिए वापस आ गए हैं। लेकिन जोंगकुक त्यांग को टाइटली पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, बेबी, मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी मम्मी पापा के साथ बात करनी है, तो तुम जाकर बात करो, मैं 2 घंटे बाद तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा।
त्यांग शौक हो जाते। क्या 2 घंटे? उसके बाद वो मुझे लेने आएगा तो मैं उन लोगों से अच्छी तरह से कैसे बात कर पाऊंगा? जॉन कुक बोलते हैं, क्या हुआ बीबी, तुम खुश नहीं लग रहे हो, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर आया हूँ, मुझे लगा कि तुम यहाँ पे आने के बाद खुश हो जाओगे। तो जॉन कुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, हाँ मैं खुश तो हूँ लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा शौक भी हूँ। तुम मुझे यहाँ पे 2 घंटे के लिए लेकर आए हो और उसके बाद तुम मुझे लेकर जाने वाले हो, मैं इस तरह से कब तक उन लोगों से मिलते रहूँगा और उन लोगों को क्या कहूँगा कि मैं कहाँ रहता हूँ? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जॉन कुक? अभी तक तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे यहाँ पे रहना चाहिए अपने पेरेंट्स के पास, मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा सिख है, तुम्हें नहीं लगता है कि मुझे उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए? जॉन कुक बोलते हैं, वो एक शर्त पे हो सकते हैं। त्यांग बोलते हैं, कौन सा शर्त, तुम किस शर्त के बारे में बोल रहे हो? जॉन कुक बोलते हैं, मैं चाहता हूँ तुम अपनी मम्मी पापा के साथ मेरे बारे में बात करो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और तुम्हारे पेरेंट्स इस शादी के लिए अगर हाँ बोल देते हैं उसके बाद तुम यहाँ पे रह सकते हो तब तक जब तक तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो जाते हैं। त्यांग बोलते हैं, तुम बहुत ही मतलबी हो, तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो, तुम मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आए हो और मैं समझ रहा था कि तुम मेरे बातों को सुनकर मुझे अपने पेरेंट्स के साथ मिलने के लिए लेकर आए हो, लेकिन नहीं, मैं गलत था, अभी भी तुमने मुझे गलत प्रूव कर दिया है, तुम अभी भी खुद के बारे में ही सोच रहे हो। जॉन कुक, तुम अगर मुझसे प्यार करते तो फिर कोई शर्त नहीं रखते, लेकिन तुमने शर्त रखा है और वो भी अपने बारे में ही सोचा है, कभी मेरे बारे में सोचा है कि मैं क्या चाहता हूँ? तो जॉन कुक त्यांग को बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस शादी के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? मैं हम दोनों के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खुश रखूँगा और अगर तुम खुश रहोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स खुश रहेंगे। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है त्यांग, तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकते हो, वो बिल्कुल भी तुम्हारे परफेक्ट नहीं है, तुम और मैं साथ में बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। ऐसा तुम्हें लगता है जॉन को, मुझे नहीं लगता है और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, मुझे अपने मॉम के बारे में सोचना है, उनकी तबीयत कैसे है मुझे वो पूछना है और उन लोगों ने मेरी शादी कब तय कर दिया है और वो लोग मुझे बिना बताए ही मेरी शादी कैसे तय कर सकते हैं, मैं वो पूछना चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। मैं तुमसे भी शादी नहीं करूँगा और मैं यूनो के साथ भी शादी नहीं करूँगा, मुझे अभी किसी के साथ शादी नहीं करना है। जॉन कुक बोलते हैं, तुम्हें तो शादी करना ही होगा बीबी और तुम शादी मुझसे ही करोगे, किसी और के साथ नहीं। अब तुम अंदर जाने वाले हो और तुम्हारे पेरेंट्स को ये बताओगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, वरना बहुत बुरा होगा और मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें तो ये पता ही है और तुम खुद ही तो बोलते हो कि माफिया बुरे होते हैं, तो मुझे किसी का जान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम अगर चाहते हो कि दुनिया से ये उन्हें बहुत दूर चले जाए और वो कभी वापस ना आ पाए, अगर ऐसा चाहते हो तो फिर ठीक है, तुम जाकर अपने मम्मी पापा को कुछ मत बताना, अब वो लोग जिसके साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं तुम जाकर हाँ बोल दो, उसके बाद जो होगा मैं देख लूँगा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, समझे बेबी? तुम मेरे हो और मेरी बन के ही रहोगे, चाहे कितना कोशिश क्यों ना करो मुझसे दूर जाने का, कभी दूर नहीं जा पाओगे। त्यांग जॉन कुक को बोलते हैं, तुम मुझे इस तरह से ज़बरदस्ती करके शादी नहीं कर सकते हो और मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे शादी कैसे करते हो मेरी मर्जी के बिना। जॉन कुक बोलते हैं, मैं तुमसे शादी करके दिखा दूँगा लेकिन तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते हो तब तक जब तक मैं इस दुनिया में हूँ और जिंदा हूँ, तुम्हें मुझसे छुटकारा पाने के लिए मेरी मौत का इंतज़ार करना होगा और मैं जानता हूँ मेरी मौत इतनी जल्दी नहीं होने वाले हैं क्योंकि तुम मुझे मरने नहीं दोगे, तुम मुझे बचा लोगे, है ना त्यांग? मैं जानता हूँ मुझे बहुत सारे लोग मारना चाहते हैं लेकिन मेरे त्यांग मेरे पास है और तुम मुझे कुछ नहीं होने देने वाले हो, तुम मुझसे ही शादी करोगे क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम सिर्फ अपने प्यार को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो क्योंकि मैं माफिया हूँ, वरना तुम मुझसे प्यार करते हो ये तुम भी जानते हो, तो फिर इसको छुपाने की क्या ज़रूरत है त्यांग? तुम अभी जाकर अपने पेरेंट्स को बोलने वाले हो,
वरना मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा, और जब मैं गुस्सा हो जाता हूँ तब मैं किसी का नहीं सुनता हूँ। तुम सिर्फ मुझे मार कर ही मुझसे छुटकारा पा सकते हो। क्या तुम मुझे मार सकते हो? लो, मैं तुम्हारे हाथ में गांध दे देता हूँ और तुम मेरे सीने पे गोली चला दो, तब जाके तुम्हें छुटकारा मिलेगा। त्यांग अपने हाथ पे बंदूक को उठाते हैं और वो जोंगकुक पे निशाना करते हैं। जोंगकुक मुस्कुरा रहे थे और अपनी जैकेट को हटाते हैं और कहते हैं, दे बेबी, मेरे सीने पे गोली चलाओ। लो, अगर अब तुम ऐसा कर लिया तो तुम हमेशा के लिए मुझसे छुटकारा पा लोगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते हो, और मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। त्यांग बहुत कोशिश करते हैं जोंगकुक के सीने पे गोली मारने के लिए, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और त्यांग उस पिस्तौल को नीचे गिरा देते हैं। तो जोंगकुक त्यांग को बोलते, बीबी क्या हुआ, तुमने पिस्तौल नीचे क्यों गिरा दिया है? क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते हो? तो फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? त्यांग त्यांग बोलते हैं, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, मुझे अपने मम्मी पापा से कुछ बात करनी है। जोंगकुक बोलते हैं, तो तुमने क्या डिसाइड किया है? तुमने मेरे सीने पे गोली नहीं चलाया है, और अपने पेरेंट्स को जाकर क्या बोलने वाले हो? त्यांग कुछ नहीं बोलते हैं। जोंगकुक उसको बार बार पूछते रहते हैं। त्यांग बोलते हैं, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी मुझे अपने पेरेंट्स के साथ बात करनी है। तो जोंगकुक बोलते हैं, ठीक है, तुम चले जाओ, मैं 2 घंटे बाद तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। तो त्यांग बोलते हैं, ठीक है, तुम्हें 2 घंटा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ 10 मिनट यहाँ पे इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। जोंगकुक बोलते हैं, क्या तुम इतनी जल्दी वापस आने वाले हो? त्यांग बोलते हैं, हाँ। त्यांग जानते हैं कि वो जो अब बोलने वाले हैं उसकी पेरेंट्स को, वो गुस्सा करेगा, उसके बाद उन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी और त्यांग गुस्से से बाहर आ जाएगा। सो गाइज, यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।